हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब मैं नेहा राजवंशी क्लास ट्वेल्थ की आज के हमारे इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ तो बच्चों आज इस वीडियो में हम विस्तास बुक का चैप्टर एट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेमरीज ऑफ चाइल्डहुड तो बच्चों जैसे कि नाम से ही पता चलता है इस चैप्टर में हम कुछ मेमरीज पढ़ेंगे चाइल्डहुड बचपन की तो बच्चों ये बचपन की मेमरीज किसकी हैं ये मेमरीज़ हैं राइटर की तो ये जो चैप्टर है ये राइटर ने ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में लिखा है यानी कि वो अपनी लाइफ के बारे में हमें बता रही हैं लाइफ का अपना खुद का एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर करेंगी तो बच्चों चैप्टर टू पार्ट्स में लिखा गया है दोनों पार्ट अलग अलग राइटर ने लिखा है और दोनों पार्ट्स में हम उनके ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस पढ़ेंगे उनके जीवन के कुछ एक्सपीरियंस वो अपने हमारे साथ शेयर करेंगी जो फर्स्ट पार्ट है वो लिखा है जित कला साने तो फर्स्ट पार्ट में हम जित कला सा के बचपन की कुछ मेमरीज के बारे में पढ़ेंगे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस उन्होंने किए थे जो कि उनकी मेमरी बन के रह गए पूरी लाइफ के लिए वो उनकी मेमरी में रह गए इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस था उनका वो हम पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बच्चों जो जित कला सा का एक्सपीरियंस है उसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं जो हमारे राइटर हैं जित कला सा बच्चों इन्होंने एक न्यू स्कूल में एडमिशन लिया था और जब इनका फ़र्स्ट डे था उस स्कूल का तो इनका बच्चों वहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था ये वहाँ क्या फ़ील करती हैं क्या देखती हैं और अपने आप को ये किस तरह वहाँ पाती हैं वो हम इस चैप्टर में जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ़ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन तो बच्चों जो इनका फर्स्ट डे था स्कूल का और इनका स्कूल कहाँ था लैंड ऑफ़ एप्पल्स तो बच्चों लैंड ऑफ़ एप्पल्स कहते हैं अमेरिका को और अमेरिका में भी बच्चों पर्टिकुलरली जो साउथ अमेरिका का एरिया है वो कहलाता है वो कहलाता है लैंड कहला ऑफ एप्पल्स क्योंकि वो फेमस है एप्पल्स के लिए तो इनका स्कूल वहीं था साउथ अमेरिका के किसी एरिया में इनका स्कूल था तो ये कह रही हैं कि वहाँ साउथ अमेरिका के उस स्कूल में जो मेरा फर्स्ट डे था

होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी लीव्स नहीं होती इस तरह का जो सीजन होता है वेदर होता है ये तब की बात है अ लार्ज बेल फॉर ब्रेकफास्ट इट्स लाउड वॉइस क्रैशिंग थ्रू द एंड सेंसिटिव फ्राईवर अब क्या होता है तो राइटर का बच्चों फर्स्ट डे है उन्हें स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता स्कूल में क्या रूल्स हैं क्या क्या रेगुलेशन है उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हर चीज उनके लिए बिल्कुल न्यू थी वहां पे तो अचानक से क्या होता है एक बहुत लाउड बेल की आवाज इन्हें सुनाई देती है एक बहुत बड़ी सी बैल जो थी वो बजाई जाती है और वो बैल क्यों बजी थी क्योंकि ये ब्रेकफास्ट का टाइम था तो बच्चों ये वहां स्कूल का रूल था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम का सिग्नल देने के लिए एक बैल बजाई जाती थी थी जो कि बहुत ही बड़ी थी और बहुत लाउडली वो बजा करती थी और वो जो बैल की आवाज़ थी वो इतनी ज़ोर से आई थी कि राइटर को ऐसा लगा कि उसकी जो मेटलिक वॉइस है तो बैल मेटल की बनी हुई थी तो उसकी जो मेटेलिक वॉइस है राइटर को ऐसा लगा कि जो उनके सेंसिटिव ईयर्स हैं उनके जो इतने सॉफ्ट ईयर्स हैं उसके अंदर वो आवाज़ इस तरह से आ रही है जैसे कि वो क्रैश हो रही है इस तरह से वो आवाज़ आ रही है और राइटर को लगा कि वो आवाज इतनी लाउड थी कि जैसे वो किसी बेलफ्री से आ रही हो बेलफ्री बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं बेलफ्री वैसे कहते हैं घंटा घर तो आप सबने देखा होगा बच्चों ये एक लंबा सा टावर होता है और इसमें बड़ी-बड़ी बैल्स लगी हुई होती हैं जो कि बहुत ही लाउडली बजती हैं तो इस तरह से वो बैल की आवाज आई थी और राइटर को लगा कि वो इतनी लाउड आ रही थी जैसे कि वो किसी बेलफ्री से आ रही हो द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर गेव अस नो पीस तो बच्चों वहां बहुत शोर लग रहा था राइटर को कि कितना ज़्यादा शोर है एक तरफ तो बैल की आवाज़ आई थी जो कि बहुत ज़्यादा लाउड लगी थी राइटर को और वहां पे जो दूसरे बच्चे थे स्कूल के वो सब जब चल रहे थे तो उन सब ने शूज़ पहने हुए थे और वो जो शूज थे वो ऐसे थे कि चलते समय बहुत ज़्यादा आवाज़ वो किया करते थे तो शूज़ की जो क्लैटर साउंड थी शूज से चलने की जो आवाज़ आ रही थी वो राइटर को बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रही थी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रही थी राइटर बहुत ज्यादा अपसेट हो रही थी अच्छा नहीं लग रहा था कैसा शोर है बिल्कुल भी शांति नहीं है तो राइटर का अपना स्कूल ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इनको अजीब लग रहा है कि बैल इतनी जोर से क्यों बजाई जा रही है और जो बच्चे हैं उन्होंने ऐसे शूज क्यों पहने हुए हैं जिनको पहन के जब चलते हैं तो इतनी अजीब सी इतनी जोर से आवाज आ रही है और वो आवाज राइटर को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेज विथ एन अंडर करेंट ऑफ मैनी tied. अब आगे राइटर बता रही है कि एक तो वो बैल की आवाज आ रही थी और जो बच्चे चल रहे थे चलते समय उनके शूज में से आवाज आ रही थी शोर हो रहा था और इसके अलावा वो कह रही है कि वहां कॉन्स्टेंट यानी लगातार नोइजेज आ रही थी लगातार वहाँ पे शोर आ रहा था और कैसा शोर हार्श नोइजेज हार्श कहते हैं बच्चों वो आवाज जो कि स्वीट ना हो मेलोडियस ना हो जिसे हम कह सकते हैं करकश यानी कि जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती तो राइटर को वहां जो आ रही थी जो शोर हो रहा था राइटर को बहुत ज्यादा हार्श लग लग रहा था, करकश लग रहा था था बहुत ज्यादा और वो आवाज आ कहां से रही थी वहां पर जो सारे बच्चे थे वो ऐसी टंग टंग लैंग्वेज, तो वो एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो कि राइटर के लिए अननोन थी यानी कि उनकी लैंग्वेज राइटर नहीं जानती थी तो सारे बच्चे वहां पे इंग्लिश में बात कर रहे थे और राइटर उस समय इंग्लिश नहीं जानती थी उनको नहीं समझ में आ रहा आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं तो राइटर के लिए उनकी लैंग्वेज कैसी थी अननोन थी एक न्यू लैंग्वेज थी उनके लिए तो सारे बच्चे उस एक न्यू लैंग्वेज में बात कर रहे थे आपस में मरमर कर रहे थे बोल रहे थे और राइटर को ऐसा लगा कि ये अंडर करंट है अंडरकरंट कहते हैं बच्चों ऐसी चीज जो कि हमें दिखाई नहीं देती यानी कि राइटर को आवाज़ तो आ रही थी कि बच्चे लगातार बोले जा रहे हैं चिल्ला रहे हैं इतनी बातें कर रहे हैं लेकिन कौन बोल रहा है राइटर को दिख नहीं रहा था क्योंकि आसपास सारे बच्चे बोले जा रहे थे तो वो शोर एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा था राइटर को दिख नहीं रहा था लेकिन राइटर को बहुत अजीब लग रहा था और वो सारा शोर राइटर को बहुत ज़्यादा हार्श लग रहा था और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज में बातें कर रहे थे सारे बच्चे जो लैंग्वेज राइटर

के रह गई हैं यानी कि वो उनको ऐसा लगा कि वो यहां कैद हो गई हैं यहां से वो निकल नहीं पा रही थी ऐसा उन्हें लगा तो राइटर को अपना स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी पागल खाने में पहुंच गई हैं सब लोग इतना शोर कर रहे हैं इतना बोल रहे हैं इतनी सारी नॉइज वहां पे आ रही थी और राइटर वहां से जाना चाहती थी वहां से निकलना चाहती थी लेकिन फाइनली उनको लगता है कि वो वहीं कैद होकर रह गई थी एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम और आगे राइटर बता रही हैं कि वो किसी भी कीमत पर ऑन एनी कॉस्ट वो उस स्कूल से निकलना चाहती थी वो स्कूल उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए बहुत सारे एफर्ट्स किए अपनी फ्रीडम के लिए तो उनको लगा कि वहाँ स्कूल में वो कैद हो गई हैं उनकी फ्रीडम कहीं खो गई है तो फिर से फ्री होना चाहती थी अपनी फ्रीडम पाना चाहती थी इत स्कूल से वो निकलना चाहती थी तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए थे बहुत सारे एफर्ट्स किए इतने स्ट्रगल किए कि उनको लगा कि उनकी जो स्पिरिट है स्पिरिट कहते हैं सोल तो उनको ऐसा लगा कि उनकी जो सोल है वो भी टोर हो गई है यानी कि उनकी सोल भी हर्ट हो चुकी है उन्होंने इतना स्ट्रगल किया अपनी फ्रीडम के लिए लेकिन फाइनली उनके सारे स्ट्रगल क्या प्रूव होते हैं यूजलेस प्रूव होते हैं इतने स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ नहीं होता वो स्कूल से नहीं निकल पाती और उन्हें उसी स्कूल में रहना होता है तो बच्चों इन्हें ये स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये यहाँ से जाना चाहती थी इनको ऐसा लग रहा था कि उनकी आज़ादी छीन ली गई है उन्हें वहाँ कैद कर दिया गया है तो उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए थे यहाँ से निकलने के लिए वापस अपने घर जाने के लिए लेकिन इनके सारे एफर्ट्स यूजलेस प्रूव होते हैं और उन्हें वहीं उस स्कूल में रहना पड़ता है अब पेल्फीज वन विथ वाइट हेयर केम अप आफ्टर तो बच्चों जब वो बैल की आवाज आई थी जो इतनी बिग, बिग बैल थी जो इतनी लाउडली बजी थी तो उसके बाद क्या होता है एक वुमन जो कैसी थी पेल फेस बच्चों पेल फेस का मतलब है डल फेस तो उसका फेस बहुत ज्यादा डल था बिल्कुल ग्लो या शाइन नहीं था उसके फेस पे और उसके हेयर कैसे थे वाइट थे तो हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी एजेड वुमेन थी वो इन सब बच्चों के पास में आती है जहाँ स्कूल में सारे बच्चे खड़े थे उन बच्चों के पास में एक वुमेन आती है जिसका फेस बिल्कुल डल है और उसके हेयर थोड़े वाइट है We were placed in a line of girls who were marching into the dining room. तो जब वो वुमेन आती है सब बच्चों के पास वो आके क्या करती हैं उन बच्चों में जितनी भी गर्ल्स थी उन सभी गर्ल्स को वो एक लाइन में खड़ा कर देती है ताकि सभी गर्ल्स लाइन बना के कहाँ जाएँ डाइनिंग रूम में जाएँ तो बच्चों बैल क्यों बजाई गई थी क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम था तो ब्रेकफास्ट करने के लिए सब बच्चों को कहाँ जाना था जो स्कूल का डाइनिंग रूम है वहाँ जाना था तो वो वुमेन आती है सब बच्चों के पास में और जितनी भी गर्ल्स थी उन गर्ल्स को वो एक लाइन में खड़ा कर देती है ताकि सभी गर्ल्स लाइन बनाते हुए डाइनिंग रूम तक जाएँ और किस तरह से जाएँ मार्च करते हुए यानी कि जैसे परेड होती है परेड कैसी होती है सब लोग एक साथ मार्च करते हैं बिल्कुल सिंक्राइजेशन के साथ मार्च करते हैं सिंकनाइजेशन के साथ वो चलते हैं तो इसी तरह बिल्कुल परफेक्टली सबको लाइन बनाते हुए एक परफेक्ट सिस्टम फॉलो करते हुए चलना था ये काम उस वुमेन ने किया सब गर्ल्स को उसने एक लाइन में खड़ा कर दिया और इंस्ट्रक्शन दिए कि बिल्कुल परफेक्टली लाइन मेंटेन करते हुए चलना है सिंक्रनाइजेशन के साथ आपको यहाँ से डाइनिंग रूम तक जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए दिस वर इंडियन गर्ल्स तो अब जब राइटर भी उस लाइन में खड़ी हैं जहाँ पे सारी गर्ल्स हैं तो जब उन्होंने बाकी गर्ल्स को देखा तो उन्होंने पाया कि वो गर्ल्स में ज़्यादातर गर्ल्स कैसी थी इंडियन गर्ल्स थी इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस और उन सब ने कैसी ड्रेस पहनी हुई थी तो जो सारे बच्चे हैं उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो थी, थी. सब ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी सबके जो शूज थे वो बहुत ज़्यादा स्टिफ थे स्टिफ कहते हैं बच्चों हार्ड यानी कि वो शूज़ ऐसे थे जिनको जब पहन के वो चल रहे थे तो इतना ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो बहुत हार्ड बहुत स्टिफ उनके शूज थे और जो उनकी ड्रेसेस थी वो कैसी थी क्लोजली क्लिंगिंग यानी बिल्कुल टाइट बिल्कुल चिपके हुए उन्होंने कपड़े पहने हुए थे बिल्कुल जैसे हम कहते हैं बॉडी हगिंग उनकी ड्रेसेस थी बिल्कुल टाइटली उन्होंने फिटिंग वाले कपड़े पहने हुए थे द स्मॉल गर्ल्स वो स्लीव एपरस एंड सिंगल हेयर और जो स्मॉल गर्ल्स थी उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर स्लीवड अपरन पहने हुए थे एप्रन बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं जैसे हम कुकिंग करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे कपड़े गंदे ना हो तो हम अपरस पहनते हैं तो इस तरह के अपरेंस उन्होंने पहने हुए थे जो कि स्लीव थे यानी कि जिन एप्रन में स्लीवस भी लगी हुई थी इस तरह के स्लीव एप्रन उन्होंने पहने हुए थे और उन सब बच्चों के बाल कैसे थे सिंगल कहते हैं शॉर्ट हेयर आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं तो बिल्कुल छोटे कटे हुए उनके बाल थे तो सब गर्ल्स ने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी एक सभी गर्ल्स uh, कि के एज आई वर्क नॉइज लेसली इन माई सॉफ्ट आई फेल्ड लाइक सिंगिंग टू द्लोर फॉर माई ब्लैंकेट हेड बिन स्ट्रिप्ट फ्रॉम माई शोल्डर अब राइटर का तो ये फर्स्ट डे था तो बाकी सारे बच्चे तो तो स्कूल यूनिफॉर्म में थे लेकिन राइटर ने अभी तक यूनिफॉर्म नहीं ली थी वो अपने कैजुअल कपड़ों में कैजुअल फुटवेयर्स में ही वो यहां पर आई थी तो जब वो चल रही थी तो वो कैसे चल रही थी उस लाइन में नॉइसलेसली बिना आवाज किए यानी कि जब सारे बच्चे चल रहे थे तब तो आवाज हो रही थी क्योंकि सबके शू बहुत स्टिफ थे तो चलने से उनके शू आवाज कर रहे थे लेकिन जब राइटर चल रही थी तो बिल्कुल आवाज नहीं हो रही थी और ऐसा क्यों क्योंकि इन्होंने मौकेजींस पहनी हुई थी मौकेजींस बच्चों आप यहां देख सकते हैं शू होते है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं अंदर से भी और इनका सोल भी बहुत सॉफ्ट होता है इसीलिए जब इनको पहन के हम चलते हैं तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होती इस तरह के मोकेजिन स्लाइटर ने पहने हुए थे इसीलिए उनके चलने से बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही थी और वो भी उसी लाइन को फॉलो करते हुए सभी गर्ल्स के साथ डाइनिंग रूम तक जा रही थी लेकिन तभी क्या होता है उनको ऐसा लगा कि जैसे वो सिंकिंग टू द फ्लोर हो जाएंगी उनको बहुत ज़्यादा शर्म आई अचानक से और उनको शर्म क्यों आई उन्होंने अपने शोल्डर्स के ऊपर एक ब्लैंकेट ले रखा था हमने पढ़ा था पहले बहुत ज़्यादा ठंड थी स्नोफॉल हुआ हुआ था तो ठंड से बचने के लिए इन्होंने अपने शोल्डर्स पर एक ब्लैंकेट डाल रखा था तो किसी ने इनका ब्लैंकेट इनके शोल्डर से स्ट्रिप्ट कर दिया था हटा लिया था तो इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई थी अचानक किसी ने आके इनके शोल्डर पे से इनका ब्लैंकेट हटा दिया ब्लैंकेट का मतलब बच्चे को इस काफ़ या कोई मफरल होगा जो इन्होंने ले रखा था ठंड से बचने के लिए तो किसी ने आके इनका मफरल हटा दिया इनके शोल्डर से तो इनको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगा ऐसा लगा इनको बहुत ज़्यादा आई आई लुक हार्ट एट द इंडियन गर्ल्स तो ये बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाए हो गई थी अचानक से तो वहाँ पर जो बाकी दूसरे इंडियन गर्ल्स थी इन्होंने उन सबकी तरफ देखा हु सेम नोट टू केयर डेट देवर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड दैन आई तो राइटर ने उन सब की तरफ देखा तो उन सभी इंडियन गर्ल्स ने ऐसे शो किया जैसे उन्हें बिल्कुल भी केयर नहीं है बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है तो राइटर कह रही हैं कि उन सबके कपड़े तो ज़्यादा इमोडेस्ट थे मुझसे भी ज़्यादा यानी कि राइटर कह रही हैं कि जब मेरे शोल्डर्स पे से मेरा मफरल अचानक से किसी ने हटा दिया तो मुझे बहुत अनइजी लगा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल मैं फील कर रही थी तो मैंने बाकी गर्ल्स की तरफ देखा तो मुझे लगा कि उनके कपड़े तो मुझसे भी ज़्यादा इमोडेस्ट है मॉडेस्ट कहते हैं बच्चों जो डिसेंट होते हैं तो राइटर को लगा कि मेरे कपड़े तो फिर भी डिसेंट थे उन सभी बच्चों के बाकी जो गर्ल्स थी उनके कपड़े तो बिल्कुल भी डिसेंट नहीं थे बिल्कुल भी मॉडेस्ट नहीं थे बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लग रहे थे और ऐसा क्यों इन दिन टाइटली फिटिंग क्लोथ्स क्योंकि उन सब ने एक जो ड्रेस पहनी हुई थी जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी हुई थी वो बहुत ज़्यादा टाइट थी बिल्कुल फिटिंग थी बिल्कुल बॉडी हगिंग उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो राइटर कह रही हैं कि मेरा मफर हटा लिया गया फिर भी मेरे कपड़े उन सबके कपड़ों से ज़्यादा मॉडस्ट थे ज़्यादा डिसेंट लग रहे थे उनके कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे वो बहुत ज़्यादा टाइट उन्होंने कपड़े पहने हुए थे तो जब रूम में आ ए, तो राइटर ने क्या नोटिस किया उन्होंने देखा जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं वो भी डाइनिंग रूम में आ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट टाइम था सभी को ब्रेकफास्ट के लिए जाना था तो जो गर्ल्स थी उनकी अलग लाइन बनाई गई उनको अलग डोर से अंदर लाया गया और जब वो अंदर आ जाती हैं तो राइटर नोटिस करती हैं कि जो बॉयज हैं वो भी डाइनिंग रूम में आ रहे हैं लेकिन लेकिन वो वो से से आ रहे वो से आ रहे रहे हैं? हैं। डोर उनकी एंट्री के लिए अलग डोर था वो दूसरे डोर से अंदर आ रहे थे तो बच्चों ये भी स्कूल का रूल था कि गर्ल्स की अलग एंट्री है अलग डोर से आना है बॉयज को अलग डोर से आना था तो इस तरह से बॉयज दूसरे डोर से अंदर आए आई वोस्ट फॉर द थ्री यंग ब्रेव हु केम इन पार्टी तो तब राइटर क्या नोटिस करती हैं कि सारे बॉयज की एंट्री तो अलग डोर से हुई थी एक ऑपोजिट डोर से हुई थी लेकिन तीन यंग बॉयज पे ऐसे भी थे जो कि हमारी पार्टी में आ गए थे हमारी पार्टी यानी जो गर्ल्स पार्टी थी जहां गर्ल्स बैठी हुई थी जिस डोर से गर्ल्स आई थी और जिस साइड में वो बैठी हुई थी तो तीन बॉयज बॉयज की साइड को छोड़ के इन गर्ल्स की साइड में आ गए थे और राइटर ने उन बॉयज के लिए क्या यूज किया है ब्रेव तो राइटर कह रही हैं कि तीन बॉयज ऐसे थे जो बहुत ब्रेव थे ब्रेव क्यों थे क्योंकि उन्होंने स्कूल का ये रूल तोड़ा था क्योंकि बॉयज के लिए अलग एंट्री थी उनको अलग जगह बैठना था लेकिन वो आके जहां गर्ल्स बैठी हुई थी गर्ल्स के साथ वो आ गए थे गर्ल्स की तरफ वो आ गए थे तो राइटर कह रही हैं कि बहुत ब्रेव वो तीनों बॉयज थे आई स्पाइड दम इन द रेयर रैंक लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ड तो राइटर को लगा कि तीन तो बहुत ही ब्रेव हैं स्कूल का रूल ये फॉलो नहीं कर रहे इस तरह से गर्ल्स के साइड आ गए तो राइटर उनके बारे में और जानना चाहती थी तो राइटर कह रहे हैं कि मैंने उन्हें स्पाई किया स्पाई कहते हैं इस तरह से देखना चोरी छुपे देखना ताकि उन्हें पता ना चले कि राइटर उन्हें देख रही हैं तो राइटर ने इस तरह से उनकी तरफ देखा तो राइटर ने पाया कि वो तीनों बॉयज भी उतने ही अनकंफर्टेबल थे वहां पे जितना अनकंफर्टेबल राइटर खुद फील कर रही थी तो बच्चों हो सकता है जो तीन बॉयज थे ये भी न्यू एडमिशन थे उस स्कूल में इनका भी उस स्कूल में फर्स्ट डे था तो उन्हें भी ज्यादा रूल्स के बारे में नहीं पता था इसीलिए वो बॉयज साइड में ना बैठ के जहां गर्ल्स बैठी हुई थी वो वहां आकर बैठ गए थे A small bell was tapped and each of the pupils drew a chair from under the table. अब सभी बच्चे डाइनिंग रूम में हैं, गर्ल्स भी आ गई भी आ गए थे। तो अब क्या होता है एक बार फिर से बैल बजती है छोटी सी तो एक छोटी सी बैल की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो बैल बजी सब बच्चों ने क्या किया पोपल्स कहते हैं स्टूडेंट्स तो जो भी स्टूडेंट्स थे वहां पे डाइनिंग रूम में उन सब ने क्या किया जो वहां पर टेबल रखी हुई थी टेबल के नीचे से उन्होंने चेयर बाहर निकाली तो बच्चों ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे डाइनिंग रूम में तो वहां पे टेबल्स थी चेयर्स लगाई गई थी तो जैसे ही बेल बजी वो इस बात का सिग्नल था कि अब सभी को अपनी अपनी चेयर बाहर निकालनी है टेबल के नीचे से चेयर को पुल करना है बाहर की तरफ सपोजिंग दिस एक्ट मीन दे व टू बी सीटेड आई पुल्ड आउट माइंड एंड एट वंस एट वंस स्लिप इन टू इट फ्रॉम वन साइड तो बैल की आवाज़ सुनते ही सब बच्चों ने अपनी अपनी चेयर बाहर निकाल ली तो so, जब राइटर ने देखा कि सब चेयर बाहर निकाल रहे हैं तो राइटर कह रही हैं कि इस चीज़ का ये मतलब ही तो था कि चेयर निकाल के हमें चेयर के ऊपर बैठना था तो so, राइटर कह रही है कि मैंने भी अपनी चेयर बाहर निकाली और मैं एक साइड से अपनी चेयर के ऊपर स्लिप होकर बैठ गई बट वैन आई टर्न माई हैड आई सॉ डेट आई वॉज द ओनली वन सीटेड एंड ऑल द रेस्ट ऑफ आर टेबल रिमेन स्टैंडिंग तो सारे बच्चियों ने अपनी अपनी चेयर बाहर निकाली राइटर ने भी अपनी चेयर बाहर निकाली और वो उसके ऊपर बैठ गई लेकिन बैठने के बाद जब उन्होंने अपना सिर टर्न करके देखा चारों तरफ तो उन्होंने क्या पाया कि उस पूरे डाइनिंग हॉल में वो ओनली वन वो इकलौती ऐसी गर्ल थी जो कि बैठी हुई थी सिर्फ वो ही बैठी हुई थी और जो बाकी बच्चे थी टेबल पे वो सब के सब अभी भी खड़े हुए थे यानी कि बैठना नहीं नहीं था था अभी लेकिन राइटर को पता नहीं था, उनका फर्स्ट डे उनको ज्यादा पता नहीं अभी स्कूल के बारे में तो उनको लगा चेयर बाहर निकालिए तो बैठना ही तो होगा उसपे तो वो बैठ जाती हैं लेकिन फिर वो पाती हैं कि सभी खड़े हैं वो अकेली हैं उस हॉल में जो कि चेयर के ऊपर बैठ गई हैं जस्ट एज आई बिगन टू राइज लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड अ सेकंड बेल वॉज साउंडेड अब राइटर को बहुत अजीब लगा कि सब खड़े हैं और मैं अकेली वहाँ चेयर पे बैठ गई हूँ तो वो बहुत ज़्यादा शाइली यानी शर्म से देखती हैं चारों तरफ और फिर से वो चेयर पे से खड़े होने लगती हैं उनको लगता है जब सब खड़े हैं मुझे भी खड़ा होना चाहिए तो वो फिर से खड़ा होना स्टार्ट कर देती हैं और चारों तरफ देखती हैं बहुत शर्म के साथ लेकिन तभी क्या होता है सेकेंड टाइम बैल है एक बार फिर से बैल के बचने की आवाज आती है ऑल ओवर सीटेड एट लास्ट एंड आई है तो सेकेंड बैल इस बात का सिग्नल था कि अब आपको अपनी अपनी चेयर्स पर बैठना है तो सभी बच्चे इसीलिए खड़े थे क्योंकि वो सेकेंड बैल का वेट कर रहे थे सेकेंड बैल बजने के बाद ही बैठना था तो जब सेकेंड बैल बजी तो फाइनली सब अपने अपने चेयर्स पर बैठ जाते हैं और राइटर भी जो कि खड़ी हो रही थी वापस वो भी फिर से अपनी चेयर पर चुप चाप क्रॉल बैक हो जाती है चुप चाप वो भी अपनी चेयर पर सिमट कर बैठ जाती हैं। तो बच्चों ये रूल्स थे स्कूल के कि जब फर्स्ट बेल बजेगी आपको चेयर बाहर पुल करनी है और जब सेकेंड बेल बजेगी तब आपको अपने अपने चेयर्स के ऊपर बैठना है I heard a man's voice at one end of the hall, and I looked around to see him. अब सब बच्चे अपने अपने चेयर्स पर बैठ जाते हैं अब क्या होता है अब राइटर को एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उस डाइनिंग हॉल के एक एंड पे एक कॉर्नर पे खड़ा हुआ था और कुछ बोल रहा था तो राइटर को उसके बोलने की आवाज़ सुनाई देती है तो राइटर उसको देखती है अपना सिर घुमा के देखती है ये कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है तो वो भी इंग्लिश में बोल रहा था तो उसकी लैंग्वेज भी राइटर को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहा है लेकिन आवाज आ रही थी कि हाँ वो कुछ बोल रहा है। तो वो अपना लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स है वो अभी भी अपने प्लेट्स में उनका, उनका सिर था उनका सिर अपनी प्लेट्स तरफ ही झुका हुआ था वो नहीं देखते हैं वो अपना सिर नीचे करके बैठे हुए थे और राइटर अकेली अपना सिर घुमा के देख रही थी As I glanced at the long chain of tables, एट caught लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कॉट woman अपॉन मी तो राइटर अब क्या कह रही हैं कि सब बच्चों का सिर तो नीचे है राइटर देख रही थी सिर घुमा के तो देखते देखते जब उनकी नजर पड़ी जो टेबल्स की लॉन्ग चेन थी लॉन्ग चेन का मतलब सारे टेबल्स को एक दूसरे से ज्वाइन करके वहाँ पे लगाया गया था एक के बाद एक टेबल्स वहाँ पे रखी गई थी उस हॉल के अंदर तो जब टेबल्स के पार राइटर की नजर जाती है तो वो क्या देखती हैं वो देखती हैं कि वो जो पेल फेस वूमेन थी वो राइटर की तरफ ही देख रही थी वो राइटर को ही स्टेयर कर रही थी तो राइटर देखती हैं कि वो जो पेल फेस वूमेन है वो वहाँ खड़ी है टेबल्स जहाँ एंड होती है वहाँ वो खड़ी है और वो लगातार राइटर को देख रही है राइटर को ऑब्जर्व कर रही है राइटर की तरफ ही वो लगातार स्टेयर कर रही है इमिडिएटली आई ड्रॉप टू माई आईज तो जैसे ही राइटर ने पाया कि वो पेल फेस वूमे उन्हें ही देख रही थी वो तुरंत अपनी आइज़ को ड्रॉप कर लेती हैं अपनी आइज को वो नीचे कर लेती हैं वनडरिंग वाई आई वॉज सो क्लिनली वॉच डू बाय द स्ट्रेंज वूमेन और राइटर को बहुत ज़्यादा वंडरिंग आश्चर्य हो रहा था कि वो जो स्ट्रेंज वुमेन है वो जो अजीब सी लेडी है जिसका पेल फेस है वाइट हेयर है, है वो जो अजीब सी लेडी है वो लगातार मुझे इतना क्लिनली वॉच क्यों कर रही है इतनी बारीकी से उसने मुझ पर नजर क्यों रख रखी है वो मुझे मुझ में क्या ऑब्जर्व कर रही है इस बात का राइटर को बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था द मैन सीज ड हिज मटरिंग्स एंड देन थर्ड बैल वॉज टैब्ड तब वो व्यक्ति जो कि कुछ बोल रहा था इंग्लिश लैंग्वेज में अब उसने अपनी मटरिंग्स यानी जो वो धीरे धीरे बोल रहा था वो बोलना वो सीज कर देता है रोक देता है और फिर थर्ड टाइम बैल बजती है तीसरी बार बैल बजने की आवाज आती है एवरी वन पिक अपज नाइफ एंड फोक एंड बिगेन ईटिंग तो जब ये थर्ड टाइम बैल बजती है इस बैल को सुनने के बाद जितने भी बच्चे थे सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपना अपना नाइफ और फोक उठा लेते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चों ये रूल्स थे वहां के फर्स्ट बेल बजनी है तो आपको अपनी चेयर्स बाहर निकालनी है सेकंड बेल बजनी है तो आपको बैठना है उसके बाद एक प्रेयर होगी जो कि वो व्यक्ति करेगा तो वो व्यक्ति शायद वो प्रेयर कर रहा था, था जो कि खाने से पहले हम करते हैं जो कि राइटर को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उनके लिए वो एक अननोन लैंग्वेज थी तो वो व्यक्ति शायद प्रेयर कर रहा था और प्रेयर होने के बाद जब थर्ड बैल बजेगी तब आपको अपना ब्रेकफास्ट खाना स्टार्ट करना है तो जब थर्ड बैल बजती है सभी अपना ब्रेकफास्ट खाना स्टार्ट कर देते हैं आई बिगेन क्राइंग इंस्ट तो राइटर कह रही है कि अब सब बच्ची अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे लेकिन राइटर ब्रेकफास्ट करने की बजाय क्या कर रही थी वो रो रही थी फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर और क्यों रो रही थी क्योंकि इस समय तक राइटर को समझ में आ चुका था कि अब यहां से निकलने की और ज्यादा वेंचर और ज्यादा हिम्मत वो नहीं कर पाएंगी अब उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली थी कि इस जेल इस पागल खाने से जो उनका स्कूल था जिसे वो एक पागल खाना समझ रही थी और उनको ऐसा लग रहा था ये उनके लिए जेल है जहाँ वो कैद होके रह गई हैं तो अब उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि इस स्कूल से भागने की उन्होंने जितने भी एफर्ट्स किए थे जितना भी स्ट्रगल किया था वो फेल हो चुका है और उन्हें अब यहीं कैद रहना पड़ेगा और ज्यादा वो हिम्मत नहीं कर सकती और ज्यादा एफर्ट्स वो नहीं कर सकती ये बात उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी और वो इतनी ज़्यादा दुखी थी इस बात से कि वो वहां पर बैठ के रो रही थी तो बच्चों राइटर को अपना स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है स्कूल के जो रूल्स हैं वो उन्हें बहुत अजीब लग रहे हैं जो वहाँ का कल्चर है वो उनके लिए बिल्कुल नया है बिल्कुल अजीब उनको लग रहा है वो बिल्कुल भी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं अपना स्कूल उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बैड है अपने स्कूल के फर्स्ट डे का तो बच्चों आगे अब क्या होता है हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू